अरे अरे चोर, ये क्या कर रहा है? किसी की गाड़ी में से पेट्रोल क्यों चुरा रहा है? अरे नहीं नहीं ये मेरी गाड़ी, अभी पेट्रोल पंप में मैं पेट्रोल भरवाने आया हूँ, लेकिन इसकी ये फ्यूल लिड खुली नहीं रही है। अरे अगर तू इसको ऐसे खोलेगा तो इसी तरह फ्यूल टैंक भी टूट जाएगा ना, इसका पूरा पेंट डैमेज हो जाएगा। इससे अच्छा हर गाड़ी में जैसे तू अपनी डिक्की खोलेगा और ये अपना कारपेट हटाएगा, तेरे को यहाँ पे एक तो स्ट्रिंग दिख जाएगी, बस स्ट्रिंग को हल्के से खींचेगा, आप देखोगे इससे आपकी फ्यूल लिड एक सेकंड में खुल जाएगी। जब भी अपनी नई नई गाड़ी चलाते तो हमें अपना स्टीयरिंग व्हील सही नहीं लगता, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता और कंफर्टेबल नहीं होता, तो बस इसके लिए आप स्टीयरिंग के नीचे देखोगे यहाँ पे लेवलर दिया हुआ है, बस इस लेवलर को आप बाहर की तरफ खींच के आप अपना स्टीयरिंग को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो और वो कॉन्फिडेंस पा सकते हो। यदि आपका एसी अच्छे से काम नहीं कर रहा, गर्मी लग रही है, तो बस आपको अपना ग्लव बॉक्स खोल लेना और यहाँ पे आपको दो लॉक दिख जाएंगे, इनको जैसे प्रेस करके बाहर खींचोगे तो आपका ग्लव बॉक्स हाथ में आ जाएगा, उसके पीछे आपको अपना एयर फिल्टर दिख जाएगा, इसको अच्छे से साफ कर लो और वैसे लगा लो, आपकी एसी की कूलिंग 50% तक बढ़ जाएगी। जब भी हम किसी गाड़ी में बैठते हैं तो हमें बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लगता है क्योंकि उस गाड़ी का हेडरेस्ट सही से एडजस्ट नहीं होता, तो बस इसके लिए आप ये हेडरेस्ट के पास यहाँ पे एक बटन देखोगे, जैसे अब आप इस बटन को दबाओगे आप देखोगे आप अपना हेडरेस्ट अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो और उसको कंफर्टेबल बना सकते हो। मैंने बहुत लोगों को देखा है बरसात के समय उनका डिक्की में पानी जमना चालू हो जाता है, तो आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे स्टेपनी जैसे उठाओगे आपको यहाँ पे दो ड्रेनेज होल्स मिल जाएंगे, बस आपको मेक श्योर करना है आपके अंदर जितना जोर है उतना जोर से ड्रेनेज होल्स को मारो और नीचे से सारा पानी ड्रेन होने लग जाएगा। अगर आपका गाड़ी का स्टीयरिंग या फिर टच स्क्रीन हैंग हो जाए तो बस इधर आपको पावर बटन और मेन्यू बटन को लेके दोनों को एक संग दबाना है और 2 मिनट बाद देखोगे आपकी गाड़ी की स्क्रीन वापस से रिस्टार्ट हो जाएगी और एकदम स्मूथली काम करने लगेगी। अभी गाड़ी के दरवाजे और बोनट बंद है लेकिन तभी भी आपको बहुत ज्यादा पैनल गैप नोटिस होते हैं, तो बस इसके लिए जैसे अपना दरवाजा या फिर बोनट खोलोगे आपको यहाँ पे 4 स्क्रूज मिल जाएंगे, मेक श्योर करना आप इन 4 स्क्रू को अच्छे से टाइट कर लो और उसके बाद आप देखोगे आपके जो सारे पैनल गैप्स है वो बिल्कुल गायब हो जाएंगे। जब भी हम रात को ड्राइविंग करते हैं तो हमें अपनी गाड़ी की हेडलाइट बहुत ज्यादा कम लगती है और कुछ दिखाई नहीं देता, तो बस इसके लिए देखोगे यहाँ पे एक हेडलाइट लेवलर दिया हुआ है, इस हेडलाइट लेवलर को एकदम मिनिमम पे करके एक बार देखो आप देखोगे आपकी हेडलाइट एकदम 10% तक ब्राइट हो गई है। कि वाइपर ब्लेड्स खराब हो गए ठीक से साफ नहीं कर रहे तो आपको शोरूम पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, अपने वाइपर को कुछ इस प्रकार से उठा के टिल्ट करो और नीचे एक बटन मिल जाएगा उसको दबाओ और आपका वाइपर आपके हाथ में कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, बस एक नया वाइपर लेके उसी सेम प्रोसेस से कुछ इस प्रकार से लगा लो और आपका वाइपर रिप्लेस हो जाएगा। अपना फ्रंट डोर एंड बैक डोर खोलोगे और नीचे आओगे आपको यहाँ पे 3 होल्स मिल जाएंगे, मेक श्योर करना आप इन होल्स को बहुत ही अच्छी तरीके से साफ कर लो क्योंकि अगर एक बार गाड़ी के डोर में पानी जमना चालू हो गया तो आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे आपके स्पीकर्स एंड अदर कंपोनेंट्स कितनी जल्दी खराब होने लग जाएंगे। जैसे कि अगर आपकी गाड़ी का ओआरवीएम टूट जाए तो बस आपको अपनी गाड़ी की चाबी इसके नीचे घुसा के ऊपर से पुश करना है और ये आपके हाथ में आ जाएगा, बस एक नया ओआरवीएम लेके आके कुछ इस प्रकार से इस पे पुश करो और जैसे टक की आवाज आए समझ जाना आपका मिरर पूरा लग जाएगा, शोरूम वाले इसका 5 से 10 हजार रुपए भी चार्ज कर लेते हैं। इससे तो सेंट्रल लॉकिंग काम कर रही है लेकिन टूट जाते सेंट्रल लॉकिंग फेल हो गई काम नहीं कर रही है, तो बस अपनी गाड़ी की चाबी को अपनी जो चिन होती है चिन के नीचे रख के आप सेंट्रल लॉकिंग को कुछ इस प्रकार से दबाओगे आप देखोगे अभी गाड़ी सेंट्रल लॉकिंग काम करने लग जाएगी। एक बार अपनी फ्यूल लिड को भी खोल के जरूर देख लेना, आपको यहाँ पे एक होल मिलेगा, इसको भी बहुत अच्छी तरीके से साफ कर लेना क्योंकि अगर इसके अंदर पानी जमना चालू हो गया तो फिर आपकी रस्टिंग इश्यू एंड फ्यूल क्वालिटी के ऊपर भी असर आ सकता है। अब अपनी गाड़ी तो साफ कर ली लेकिन अब गाड़ी का सीट साफ होने का नाम नहीं ले रही, एकदम गंदी पड़ी हुई है, बस एक कपड़े में थोड़ा सा पानी और उसी कपड़े में थोड़ा विम जेल लिक्विड को लेके उस दाग के ऊपर अच्छे तरीके से लगा देना है और 5 मिनट बाद देखोगे वो दाग अपने आप पूरी तरीके से सूख जाएगा और आपकी सीट पूरी साफ हो जाएगी। ओवर द टाइम गाड़ी चलाते चलाते जाने अनजाने में गाड़ी पे स्क्रैचेस लग जा रहे और जाने का नाम नहीं ले रहे, बस एक थोड़े से कपड़े में कोकोनट ऑयल को लेके अपने स्क्रैचेस पे कुछ इस प्रकार से अच्छी तरीके से घिस दो और अब आप देखोगे थोड़ी टाइम बाद आपके सारे स्क्रैचेस गायब हो जाएंगे। कि गाड़ी कहीं चोरी ना जाए क्योंकि गाड़ी में एंटी थेफ्ट अलार्म नहीं है, होता सब गाड़ी में आपको बस पता नहीं, आपको बस अपनी गाड़ी की चाबी पे ध्यान देना है, गाड़ी की चाबी पे लॉक और अनलॉक बटन को कुछ इस प्रकार से 10 सेकंड तक दबा के रखोगे और आपकी गाड़ी का कुछ इस प्रकार से एंटी थेफ्ट चालू हो जाएगा। ऐसे ही कभी भी कोई गाड़ी में मारेगा या गाड़ी खोलने की चेष्टा करेगा इस प्रकार से हॉर्न बजने लग जाएगा, आपकी गाड़ी चोरी होने से बच जाएगी। पास की गाड़ी तो साफ है लेकिन गाड़ी के डैशबोर्ड पे बहुत ज्यादा डस्ट जमा हो गया और जाने का नाम नहीं ले रहा है, तो बस एक छोटे से कपड़े में जो कपड़े धोने का कंफर्ट लिक्विड होता है उसको डाल लेना और अपने डैशबोर्ड पे कुछ इस प्रकार से अच्छे से लगा लेना है। अब आप देखोगे इन फ्यूचर कभी भी ये धूल डैशबोर्ड पे चिपकेगी ही नहीं। ऑटो डोर लॉक और ऑटो विंडो अप एंड डाउन का फीचर नहीं है, बस आप अपने गाड़ी की चाबी को इग्निशन में घुसा के एक बार घुमाना और ये जो लॉक और अनलॉक का बटन है उसमें से लॉक बटन को 10 सेकंड तक दबा के रखोगे आप देखोगे आपका ऑटो डोर लॉक अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। ऐसी वीडियोस के लिए फॉलो जरूर कर लेना।